दोस्तों अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और आपका प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए आता है और आप जाते हो डिलीवरी लेने, तो आपको कुछ बातें का ध्यान रखना चाहिए जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन अगर आप ये बात का ध्यान नहीं रखते हो तो आपके साथ बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो आपको नोट करने हैं डिलीवर करने से पहले, मतलब प्रोडक्ट डिलीवर लेने से पहले आपको जो जो मैं बता रहा हूं वो आपको ध्यान से फॉलो करना है। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, जब भी आप डिलीवरी लेने के लिए जाओ, आपका फ़ोन हो या फिर कोई और आइटम हो उसे लेने जाओ, तो आप सबसे पहले उसे OTP मत दीजिएगा। जब वो बंदा OTP मांगे तो बोलना कि अभी हम फिलहाल OTP नहीं देंगे। और दूसरा चीज़, अगर आपसे वो पैसा मांगता है कि आप पहले पैसा दे दो, तो आप उसे पैसा मत देना। मतलब ये बेसिक सी ऑप्शंस है कि आप पैसा और OTP पहले मत देना, पहले बॉक्स को खुलवाना, बॉक्स खुलवाने के बाद आपको पैसे वगैरह सब कुछ देना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कब आपको पैसे देने हैं और कब आपको OTP देने हैं। देखो, सबसे पहले आपको जो है वो बॉक्स का सील डैमेज चेक करना होगा कि वो बॉक्स कहीं से टूटा फटा तो नहीं है ना। वो सील डैमेज होता है, एक जो टेप वगैरह मांग रहा होता है वो आपको चेक करना होगा। अगर वो ओके है तब तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पैकेजिंग डैमेज, मतलब जो पैकेज किया गया है वो प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं है ना, वो ऊपर से ही बॉक्स में दिख जाएगा। अगर वो बॉक्स डैमेज है तो आप उसे मत खुलवाना, अगर खुलवा भी रहे हो तो डैमेज है उसके साथ आप OTP वगैरह शेयर मत करना और पेमेंट वगैरह अभी शेयर मत करना। और तीसरा जो है वो है ब्रांड। अगर वो प्रोडक्ट मान लो पैकेट से खोला और जो ब्रांड आपने ऑर्डर किया वो ब्रांड नहीं है, अगर कोई और ब्रांड आ गया है तो आप उसे रिप्लेस करवा सकते हो, वो आपसे पैसे वगैरह OTP वगैरह नहीं लेंगे। और चौथा जो है वो है आइटम डिस्क्रिप्शन, मतलब कि आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है आपके इनबॉक्स जो जो आइटम आते हैं वो आइटम चेक करो, आपके पास वो आइटम आए हैं या फिर नहीं। अगर ये सब ओके है तब तो ठीक है। पांचवा जो ऑप्शन है वो है मेन आइटम प्रेजेंट, मतलब जो चीज़ आपने ऑर्डर किया है वो चीज़ है या नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वो चीज़ है तो ओके है, अगर नहीं है तब तो आपको पैसे वगैरह OTP वगैरह देना ही नहीं है। और यहाँ पे छठा जो एक ऑप्शन है एसेसरीज प्रेजेंट, मतलब कि जो एसेसरीज उसके साथ मिला है वो एसेसरीज है या नहीं, वो भी आपको चेकआउट कर लेना होगा। कभी कभी होता क्या है कि एसेसरीज नहीं आते हमारे, फ़ोन आ जाता है चार्जर नहीं आता है या फिर केबल नहीं आता है, तो ये दिक्कत हो सकता है, वो आप देख लेना। देखिए लास्ट जो ऑप्शन है वो है मेजर डेंट, मेजर क्रैक और मेजर स्क्रैच, मतलब कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो उस पर किसी भी तरह का स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, वो प्रोडक्ट गंदा तो नहीं है, वो प्रोडक्ट यूज़ किया गया तो नहीं है, ये सब चीज़ को आपको देखना होगा। अगर ये सारे चीज़ देखते हो तो आपका प्रोडक्ट ओके है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी में सारे के सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो कभी भी प्रोडक्ट डिलीवर लेने से पहले आपको ये सारे चीज़ें को सावधानी रखना होगा। याद रख के आप कुरियर पार्टनर को बोलो कि मैं आपको अभी OTP और पैसे नहीं दूंगा जब तक कि आप प्रोडक्ट को खोल के हमें नहीं दिखाएंगे। देखो ओपन बॉक्स डिलीवरी का यही ऑप्शन होता है, यही फ़ायदा होता है कि हमें वो ओपन बॉक्स मतलब कि बॉक्स खोल के वहाँ पे हमारा आइटम को दिखाए कि हमारा जो भी आइटम है सब कुछ हमारे पास पहुँच चुका है और सब कुछ ओके है, तब आप उसे ले सकते हो, वरना आप उसे रिजेक्ट कर सकते हो, कुरियर पार्टनर द्वारा वो वापस आपका प्रोडक्ट चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।